जय हिंद सभी को। हम इस वीडियो में विजय माल्या के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। विजय माल्या जो कि आर्थिक अपराधी है अपने भारत का, ये जो है बहुत सारा पैसा लेकर के अपने इंडिया से भाग चुका है 2016 में ही, वो भी इंग्लैंड में रहता है, इसके बारे में देखेंगे। विजय माल्या, विजय माल्या का जो पिताजी है उनका पहले से ही किंग फिशर बियर का जो है बिजनेस चलता था, तो ये भी उसी को काम को देख रहे थे। तो इनको 2005 में उनके मन में हुआ कि भाई बिजनेस और बढ़ाया जाए, तो विजय माल्या ने 2005 में एयरलाइंस का उद्घाटन किया, ठीक है, किंग फिशर एयरलाइंस, समझ जाइए इसे, किंग फिशर एयरलाइंस का जो है कभी स्टार्ट किया, तो 2005 में जो है स्टार्ट किया इन्होंने। लेकिन ये शुरू में तो बहुत अच्छा चला भाई, बहुत अच्छा इन्होंने फैसिलिटी दिया था, लेकिन धीरे धीरे जो है बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाए, ये तो भाई अपना बाहर बिजी थे, लड़कियों में बहुत बिजी थे ऐसा कहा जाता है, कई बार वीडियो भी इधर उधर सामने आया है। बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो बिजनेस तो लॉस तो हो गए। तो 4 साल बाद यानी कि 2009 आते आते इनका बिजनेस काफ़ी मतलब कि लॉस होने लगा करोड़ों में। तो भाई सैलरी भी देना है इनको, अब ईंधन भी खरीदना है, हर चीज़ देखना है, जहाज़ का मेंटेनेंस भी कराना है। वो पैसा जो है इन्होंने लोन लेना चालू किया और धीरे धीरे ये लोन जो है बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो गया, मतलब 2013 आते आते तक इन्होंने बैंकों से काफ़ी कर्ज ले लिया, वो कर्ज मतलब काफ़ी ज़्यादा इतना हो गया, 9000 करोड़ इतना कर्ज जो है मतलब बैंकों से इन्होंने लिया, और सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो इन्होंने स्टेट बैंक से लिया, स्टेट बैंक से सब ज़्यादा कर्ज 1600 करोड़ तो SBI से ही ले लिया, PNB से भी लिया काफ़ी, PNB जो कि SBI के बाद दूसरे नंबर की मतलब बैंक आता है, मतलब ज़्यादा इसके ब्रांचेस से कस्टमर है, बड़ी बैंक है इसके बाद। तो मतलब ऐसे से बहुत सारे सरकारी बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया, और कर्जा उर्जा जब ले लिया और भाई लॉस भी हो गया, बिजनेस बंद हो गया, इतना कर्जा लेने के बावजूद भी अपने बिजनेस को ये इस्टेब्लिश्ड अच्छे से नहीं कर पाए और इनकी ये बिजनेस डूब गई। हालांकि किंग फिशर जो बियर वाला जो था बिजनेस वो तो चल ही रहा था, लेकिन ये बिजनेस जब उनकी डूब गई तो 2016 में इनको जो है भाई अब इतने सारे बैंकों से पैसा लिया, बैंक तो केस तो करेगा ही कि भाई पैसा दो, कहीं से भी दो, ये बिजनेस चल रहा है ना तुम्हारा बियर वाला, हाँ तो इसमें से दो ना, इतना सारा तुम्हारा बिजनेस है कहीं ना कहीं से दे दो, जब इतना सारा भाई तुम बड़े बिजनेसमैन हो, ऊपर से ये राज्यसभा का मेंबर भी रह चुका है, राज्यसभा का मेंबर भी रह चुका है, उसके पिताजी पहले से बिजनेसमैन थे, बियर का बहुत बड़ा इसका कारोबार है, और भी दारू बेचता है यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ और देशों में बेचता है। तो भाई भरो, ये सब लोग तो केस तो करेंगे, SBI PNB और भी न जाने कितने बैंकों से लिया है, टोटल इतना लिया है 9000 करोड़, तो भाई केस कर दिए। तो केस जब किए, अब जैसे ही मतलब FIR दर्ज हुआ उसके पहले ही जो ये खिसक लिया 2016 में, लो अब क्या हो, तो गया कहाँ, वहीं जहाँ सब अक्सर भाग के जाते हैं फ्रॉड, जहाँ पे मतलब लोग जब करते हैं तो अक्सर कहाँ जाता है आदमी, इंग्लैंड क्यों जाता है, तो ब्रिटेन क्यों जाता है, तो ब्रिटेन ऐसे लोग को बुलाता भी है, ऐसे ऐसे लोग को ब्रिटेन बुलाता भी है। ब्रिटेन का मतलब एक रूल है कि कोई भी बड़ा अपराधी हो, चाहे मर्डर केस हो, चाहे आर्थिक अपराधी हो, कोई भी हो, दूसरे देश का हो, कहीं का भी हो, मतलब कि वो आए हमारे देश में बिजनेस करे, कुछ भी करे, और हम लोग जो है मतलब वो जो है सुरक्षा की गारंटी देता है, वो ब्रिटेन वाला सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यहाँ से हो गया तो ब्रिटेन वाला भाई खुश हो गया, वहाँ का अपराधी है यहाँ पे आया है भाई खर्चा करेगा, फ़ायदा हमारे देश को है, वो यही सोचेगा ना ब्रिटेन वाला कि भाई फ़ायदा हो रहा है हमारा, नाश्ता पानी करेगा, रूम में रहेगा, घर खरीदेगा, बिजनेस करेगा, टैक्स भरेगा, ब्रिटेन को सब जाएगा, वो तो खुश होगा, अब उसको फ़ायदा है। तो 2016 में खिसक लिया, कहाँ, ब्रिटेन चला गया, वो ब्रिटेन चला गया।
ब्रिटेन चला गया भाई, तो भाई कोर्ट का अवहेलना हो गया। मतलब कोर्ट ने तो भाई, कोर्ट के साथ बोलते हैं ना, मतलब कोर्ट का जब कोई बात नहीं मानना मानता तो उसको बोलते हैं अवमानना। अवमानना का केस चलने लगता है फिर, तो उसी के ऊपर जो है ये भी केस है बहुत बड़ा। अवमानना मतलब भाई अवमानना, उसका बात का निरादर कर दिया, उसका आदर नहीं किया कोर्ट का। कोर्ट ने बोला भाई हाजिर हो, और नहीं है, और एक बार नहीं है, और भी बार अवमानना कर दिया उसका, मतलब मान नहीं रहा उसका बात। फिर से बोला, 2017 में भी आदेश जारी किया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आओ तुम्हारे खिलाफ केस कल चलाना है, तुम्हारा संपत्ति कितना है, पूछताछ करनी है सब, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। फिर से मतलब अवमानना का जो है उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। अभी 2022 आ गया है, 2022 के जनवरी में आखिरी उसका सुनवाई होना था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। और हर बार उसका सिर्फ वकील उसका जाता रहा है बोलने के लिए, हाँ भाई यहाँ पे है, बिजी है, वहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब भाई वकील से काम चला रहा है, शर्म आ रहा है। सोचो जरा, ऐसे ऐसे बंदे हैं, इतने बड़े बड़े लोग पैसा जो है कर्ज लेके गए हैं भाई। ये कर्जवा जो लेके गया है ये लोग से, वो क्या, ये लोग के दादा का पैसा है, जनता का पैसा है, हम आपका पैसा है, हम इन लोग का सब पैसा लेके गया है। सोचो जरा, सब जनता का ही ना पैसा है, लोग क्या अपने घर से पैदा किए थे क्या पैसा, तो जनता का पैसा लेके गया है। और अभी तक भाई पता नहीं, नहीं चल पाया उसकी संपत्ति कितनी है, क्या है क्या नहीं, वो भागा हुआ है। अब पता नहीं कब आएगा, अब कोर्ट बोली है वो जब आएगा तब मुकदमा चलेगा, तब संपत्ति पूछा जाएगा। अभी तो भाई बाहर है, कुछ बता ही नहीं रहा संपत्ति कितना, नहीं तो संपत्ति ही फ्रीज कर देते थे। सरकार को आने की कोशिश करना चाहिए। अभी भाई गरीबों को कैसा तुम पता लगा लेते हो। अभी एक गरीब आदमी भी एक जीप खरीदता है लोन पे, आप बाइक खरीदता है, अगर नहीं भर पाता है तो उसका बाइक वगैरह जब्त कर लेते हैं। तो भाई इसका तो भी तो कुछ करो, जब्त करो इसका भी, इतना बड़ा आदमी का भाई आपको पता नहीं है इसका संपत्ति कहाँ कहाँ है, पता करो, CBI छानबीन लगाओ, ED को बोलो, कुछ ना कुछ करेगा भाई। बड़ा आदमी है तो क्या हुआ भाई, इसके ऊपर छानबीन नहीं होगा क्या, इसका प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगा क्या, 9,000 करोड़ ये मामूली रकम नहीं है, इसे न जाने कितने गरीबों का जो है भूख मिट जाएगा। और वो अकेला ही खा गया, पता नहीं क्या क्या किया। अभी भी दिखाता है कभी कभी लड़कियों के साथ फोटो, अभी भी बियर नहीं ख़त्म हो रहा है उसका। अभी भी जो है वो बियर बहुत अच्छा चल रहा है, IPL का उसका एक वो भी है, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो जरा, ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसा खा जाते हैं जनता का, वो भरते नहीं है। तो कोशिश क्या किया आप देखते हैं, सरकार ने कोशिश किया है, सरकार को उतना भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश किया है। क्या कोशिश किया है, प्रत्यार्पण संधि एक है, ये जो है इंग्लैंड के साथ जो है इंडिया का हुआ है। अब ये संधि क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब क्या होता है, प्रत्यार्पण संधि। ये दो देशों को बीच में करारनामा है। तो जैसे कि भारत का किसके साथ, ब्रिटेन का, जैसे ये संधि हुआ है तो उस संबंध मतलब ये संधि ये कहता है, जैसे कि तुम्हारे देश में किया हुआ कोई अपराध, कोई भाई हमारे देश में अगर आता है तो हम तुम्हारे अपराधी को लौटा देंगे, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। जैसे कि भारत में जैसे मर्डर गुना है, अभी ब्रिटेन में भी वो गुना है, तो ऐसे मामले में ही प्रत्यार्पण हो सकता है, लेकिन सबूत भी देना पड़ेगा। हालांकि सबूत भी दे दिया भारत ने, सबूत भी दिया, और मर्डर भाई गुना उनके भी देश में, इधर भी देश में, अब लेकिन फिर भी जो है नहीं आ रहा है। भारत सरकार पूछी थी तो बोला भाई कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, प्रत्यार्पण जरूर करेंगे, वो लोग ने बोला है ब्रिटेन लोग ने। हालांकि एक नया खबर सामने आया है अभी, यहाँ वहाँ से लीक हुआ है, अपना पेपर वगैरह में भी आया था कि वहाँ भी कुछ कर्ज लेकर के वो बिजनेस कुछ तो चला रहा है, वहाँ बिजनेस चला रहा है, और वहाँ भी वो चुकाया नहीं है, और वहाँ भी उसका बंगला खाली वाली करने का जो है वहाँ के ED ने बोला है। तो वहाँ भी सोच रहा ऐसा ऐसा कांड करता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, देख रहे हैं आप।
यहाँ से भागे तो वहाँ गए, वहाँ कर्जा लें वहाँ लेंगे, फिर वो कहीं और भागेंगे। दारूगा देखो कितना हालत खराब है, पूरा बिजनेस चौपट मार दिया। हालांकि एक बिजनेस उसका अच्छा चल रहा है, अभी भी किंगफिशर अच्छा चल रहा है। एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है जो है आप लोगों को समझ में आ गया, भारत इंग्लैंड के बीच में, हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका का भी ये प्रत्यार्पण संधि हुआ है, लेकिन इंग्लैंड वाला क्या करता है, अमेरिका का जब कोई मुजरिम भाग के आता है, जब इंग्लैंड आता है मतलब ब्रिटेन आता है, तो भाई वो तो लौटा देता है उसका, मतलब 90% जो है मुजरिम लौटा दिया है, लौटा देता है। और भारत का 1 ही% जो है मतलब लौटाने के मामले में हुआ है, सोचो जरा। मतलब कहते हैं ना पैसे में पावर होता है, सही बात। अब भाई महाशक्ति है अमेरिका, उससे डरता है, सोचता है उससे डरता है इंग्लैंड, सीधे सीधी सी बातें दिख रहा है भाई। मुजरिम गुनाह करके अमेरिका में जाके अमेरिका में गुनाह करेगा और भाग जाएगा ब्रिटेन, तो लौटा देता है, लेकिन भारत का वही नहीं लौटाता है, सोचो ज़रा। ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। तो 2022 में उसका लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन तो भी नहीं आ पाया, और मानना जो है बहुत कड़ा हो गया है, जैसे ही आएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसकी यही स्टोरी है, इससे रिलेटेड और कुछ डाउट रहेगा आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।